नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और इस वक्त हम शाहीन बाग में मौजूद हैं। शाहीन बाग में आधी रात जो है इस वक्त हो चुकी है, लेकिन भीड़ का हुजूम आप देखिए, लगातार भीड़ जो है वो इस तरह से बैठी है कि मानो जैसे बुत बैठी हो, हिलने के लिए तैयार नहीं है, डुलने के लिए तैयार नहीं है। हर लोग, हर जो भी है वो अपनी जगह पर खड़ा होकर के एक तख्त जो है वो अपनी बात यहाँ पर लोगों की सुन रहा है। लगातार जो है यहाँ पर भीड़ बनी हुई है, लेकिन शाहीन बाग को बार बार जो है बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पहले शाहीन बाग को बदनाम किया गया कि 500 रुपए में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, इस अफवाह के नाम पर इस तरह से शाहीन बाग को बदनाम किया गया। लेकिन आज जो है बदनाम करने की सारी हदें पार हो गई। आज तक न्यूज चैनल इंडिया टुडे का जो न्यूज चैनल है आज तक, उसकी तरफ से खबर चलाई गई कि शाहीन बाग में कश्मीरी पंडितों के साथ में हाथापाई हुई है। यहाँ पर हम लगातार मौजूद हैं, शाम से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन इस तरह की कहीं पर कोई खबर नहीं थी। हमारे साथ तो खुद एक कश्मीरी पंडित है, एक खबर चलाई जा रही है, आपने मंच से भी जो है इसका खंडन किया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी के पास जो, मेरा नाम इंदर सलीम है और मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं और मैं 30 साल से यहां पर रह रहा हूं। जो ये बीजेपी का जो आईटी सेल है, ये अफवाह फैलाने के लिए ही पैदा हो गया, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, है ना? तो उनके पास मैंने कभी सुना है, शायद ये भी अफवाह होगी, मगर इसमें हकीकत है कि उनका 800 करोड़ रुपए वो सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो किस पर पैसा खर्च करेंगे अगर उनके इलेक्शन के लास्ट के 4 महीने में 3200 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज ने दिया है, तो वो किस पर पैसा खर्च करेंगे? आज तक न्यूज चैनल की तरफ से इस तरह की खबर चलाना, बहुत सारे चैनल अब तो वो बोलते ही है, गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? गोदी मीडिया का जो टर्म है वो इसीलिए पैदा हुआ है क्योंकि वो मीडिया जो है उनकी गोदी में बैठा हुआ है और वो जैसे फोन करेंगे वैसे बोलेंगे ना, क्योंकि आज 19 जनवरी का जो दिन है, आज कश्मीरी पंडित अपना वो बलिदान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जिस दिन मैक्सिमम कश्मीरी पंडित निकल आए हैं, जो वहाँ से दो किलिंग्स हो गई, इनोसेंट किलिंग्स हो गई, अनआर्म्ड लोगों को मारा गया है, कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकलना पड़ा और वो इस चीज को मना रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि ये वहीं पर बोले, तो अगर यहाँ पर आज लोगों ने मंच पर बोला, मैंने सुन लिया कि हम भी कश्मीरी पंडित के दुख दर्द के साथ खड़े हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए अफवाह फैला रहा है। यहाँ से बाकायदा जो है भारत माता की जय के नारे लगे, कश्मीरी पंडितों के लिए 1 मिनट का मौन जो है वो यहाँ पर रखा गया। मैं वही कह रहा हूँ, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप जितना जितना यहाँ पर तिरंगा आएगा, जितना भारत माता की जय बोलेंगे, जितना कश्मीर पंडित के हक में बात करेंगे आप, उतना उनके नीचे से जो ना चादर खिसक जाए, वही बस जितना ये खींचेंगे, उनके पास है कितनी चीजें, 3-4 चीजें ही है ना उनके पास, अगर वो खींचेंगे उनके पास क्या है जमीन पर क्या चर्चा ना कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर ये सरकार लगातार बात करती रही और आज ऐसे में शाहीन बाग को जो है बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, कैसे देख रहे हैं दोनों चीजों को? बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल। मैं यहाँ पर खुद खड़ा था, मेरे ख्याल से मैं 7 बजे से खड़ा हूँ यहाँ, 7 बजे से मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी, मैं वहाँ से यहाँ तक आ नहीं पाया। और जाहिर तौर पर अगर ऐसी कोई घटना हुई भी होती तो अभी तक यहाँ पर पुलिस मौजूद होती, ऐसा लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा नहीं है, मगर मैं यकीन से कहता हूँ कि इनका जो अफवाह इंडस्ट्री है वो बिल्कुल फाइनेंस्ड है, फाइनेंस बाय अमित शाह एंड कंपनी, इसमें कोई शक है नहीं, इसीलिए लोगों को तो समझना चाहिए, मेरे ख्याल से लोग जानते हैं, मगर इस बात को, इस बात को खंडन करना जरूरी है कि ये खबर झूठी फैलाई गई है। मैं यहाँ खुद ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्या कहेंगे कि शाहीन बाग को बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है, अभी कश्मीरी पंडितों के साथ मारपीट की खबर फैलाई जा रही है। देखिए, पहली बात ये की ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ कोई मारपीट हुई है, बल्कि हम लोगों ने समर्थन किया है। शाहीन बाग सिर्फ मुसलमानों का मंच नहीं है, शाहीन बाग हर एक उस मजलूम का मंच है जिसको इस मुल्क के अंदर दबाया गया है, वो कश्मीरी पंडित हो, वो दलित भाई हो या वो मुसलमान हो। और हम लोगों ने जब मेरी मतलब नेशनल मीडिया
लोग उतार के आते हैं यहाँ पे अपने, तो ये मतलब बहुत अफसोस की बात है। तो हम मोदी मीडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम लोग इसलिए नहीं खड़े कि सीए में मुसलमानों का नाम नहीं है, हम इसलिए खड़े कि बाबा साहब अम्बेडकर के आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, उसमें इक्वालिटी है नहीं। और हम कहेंगे अमित शाह से, हमें आपको यकीन नहीं है, मोदी मीडिया भी कह रही है कि आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप यकीन कीजिए, और होम मिनिस्टर कह रहे हैं आप यकीन कीजिए, कोई बाहर नहीं होने वाला है सीए लाने की। लेकिन ये तो एक प्रोपेगेंडा हो गया, वो सीए का विरोध है नहीं है, वो बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन शाहीन बाग को पहले 500 रुपए में यहाँ पर बच्चे आते हैं और क्या आते हैं ये कहना, और आप जो है इस तरह की खबर चलाना कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ मारपीट हुई है, प्रोपेगेंडा है जाहिर तौर पर। पहली बात तो ये कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम लाखों इन लाखों 2-3 लाख लोगों को 500 रुपए दे दें। पहली बात तो ये कि कॉमन साइंस आप देखेंगे तो 500 रुपए कैसे बांटेंगे हम लोग? एक भी कोई यहाँ लेडीज इसी लेकर जो 500 रुपए ले, तो अफवाह है, खैर सबके समझ में आती है अफवाह नहीं, अफवाह। और दूसरी बात ये कि कश्मीरी पंडितों के साथ अगर यहाँ कुछ हुआ होता तो एप्लीकेशन तक लिखवाते वहाँ पे जाके, वो पुलिस ने लाइक लेके आते यहाँ पे, यहाँ पे अब तक बहुत वायलेशन हो चुका होता, बहुत कुछ हो चुका होता, बल्कि उनको वापस आना पड़ा और उनको बोलना पड़ा कि प्लीज इनके लिए मुंह पे थूए ऐसी मीडिया के लिए कि वो खुद वापस आ रहे हैं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए मतलब कम से कम पहले थोड़ा टाइम तो ले ले झूठ फैलाने के लिए भी, उनके लिए उनके मुंह पे बार बार तमाचा लगता है, उनका काम बन चुका है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। शाहीन बाग को लगातार जो है अफवाहें फैला करके बदनाम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पहली अफवाह जो मैंने सुनी थी कि लोगों को 500 रुपए दिए जा रहे हैं औरतों को कि यहाँ आके बैठो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा टाइम भी बर्बाद हो रहा है, मैं जब यहाँ आया हूँ मैं अपनी जेब से 500 रुपए की टिकट लगा के आया हूँ, तो ये अफवाह जो है कि ये पैसे दिए जा रहे हैं, एक काम करो भैया मेरे को आने जाने सबकी टिकट दे दो, और तुम जो ये बात कह रहे हो ना, तुम अपने परिवार वालों को ले आओ, हम 2-2 हजार रुपए दे देते हैं, शायद तुम्हारा भला हो जाए। और पैसे बांटने कौन आया था यहाँ? अंबानी के पास खुद के पैसे तो अब जुड़ नहीं रहे, और हाँ अंबानी तो देगा ही, क्योंकि अंबानी को फायदा कौन करा रहा है? मोदी जी, डिमोनेटाइजेशन 1500 करोड़ रुपए का फायदा होता है किसको? अंबानी को, मोदी का चहेता दोस्त। आज कितने बजे से यहाँ पर है आप? मैं आज 7-8 बजे पहुँच गया, 7 बजे पहुँच गया था। आपने यहाँ पर कोई हिंसा देखी, कोई झड़प? कोई हिंसा नहीं देखी मैंने, जो ये झूठ अफवाह फैला रहे हैं कि हाथापाई हुई, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जश्न हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी खड़ा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये राइट वर्सेस रॉन्ग की लड़ाई है, ये भारत की और ये रंगा बिल्ला की लड़ाई है। देखिए ये जो है आपको ये भी बता देना जरूरी है कि शाहीन बाग में आज इसी मंच से शाम को 8 बजे कश्मीरी पंडितों के लिए 1 मिनट का मौन धारण रखा गया, भारत माता की जय के नारे लगे, और इस पूरे अवाम ने वो भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। अगर आप बताइए कि अगर ये मजहबी प्रदर्शन होता तो क्या उस मजहबी प्रदर्शन में, केवल अगर ये मुसलमानों का प्रदर्शन होता तो क्या उस मुसलमानों के प्रदर्शन में भारत माता की जय के नारे लग सकते थे? कतई नहीं लग सकते थे। ये सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है कि शाहीन बाग को किस तरह से बदनाम किया जाए। शाहीन बाग एक बड़ा रोल मॉडल बन गया है, और उस रोल मॉडल को कैसे खत्म किया जाए, उस शाहीन बाग के साथ में जिस तरह की लोगों की सहानुभूति जुड़ रही है, लोग शाहीन बाग के साथ में अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं, उनकी सहानुभूति को कैसे खत्म किया जाए, इसीलिए शाहीन बाग के बारे में लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है, शाहीन बाग को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए अब हम कैसे बताएं कि शाहीन बाग में हिंसा नहीं हुई है? आप ये इस बात का उदाहरण है, अगर शाहीन बाग में ऐसा कुछ हुआ होता तो यहाँ पर इतनी बड़ी हुजूम जो है क्या वो इतनी शांति के साथ में बैठी रहती? यहाँ पर लगातार जिस तरह से पहले दिन से प्रोटेस्ट हो रहा उसी तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर शाहीन बाग में ऐसा कुछ हुआ होता तो अभी तक यहाँ पर दिल्ली पुलिस मौजूद होती, अभी तक यहाँ पर जो है और चैनलों में भी खबर होती, लेकिन एक आज तक न्यूज चैनल में ही इस तरह की खबर क्यों है? ये प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या है? और शर्म आनी चाहिए कि एक रोल मॉडल जो बन रहा है, जिस तरह से पूरे देश में शाहीन बाग को लेकर के लोग खड़े हो रहे हैं और शहर शहर शाहीन बाग बन रहा है, उस शाहीन बाग को ध्वस्त करने के लिए एक ये बौखलाहट है, ये आईटी सेल की बौखलाहट है, ये सरकार की बौखलाहट है, और ये गोदी मीडिया के तथाकथित न्यूज चैनल और उनके एंकरों की बौखलाहट है, जो साफ साफ दर्शाती है कि वो शाहीन बाग की आवाज को दफा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए शाहीन बाग की आवाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम कोशिश तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी